हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इससे पहले हमने किया था टाइप्स ऑफ कंपनी, कौन से टाइप्स की कंपनी रहती है। अभी हम थर्ड चैप्टर करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी फॉर्म कैसे होती है, उनकी स्टेजेस क्या होती है, उनका प्रमोशन कैसे होता है, इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, और कमेंसमेंट मतलब कैसे वो चलती हैं, ये सब इस चैप्टर में हमें करना है। अब इंट्रोडक्शन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन दैट इज इट्स क्रिएटेड बाय लॉ। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन इट इज रजिस्टर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर लेड बाय कंपनी एक्ट 2013। अगर 2013 कंपनी एक्ट के हिसाब से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी वो कर रही है, फॉलो कर रही है और रजिस्टर कर रही है खुद को, तो वो उसको बोलते हैं वो इनकॉर्पोरेट हो रही है, मतलब वो रजिस्टर्ड हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मीन्स रजिस्टरिंग और इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी विथ रजिस्टर ऑफ कंपनी। किसके साथ करेंगे हम ये इनकॉर्पोरेशन? रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ। ऑफिस इज टू बी लोकेटेड। रजिस्टर ऑफ कंपनी इज एन अथॉरिटी एज पर कंपनी एक्ट विच इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। ओके, बेस ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स। ओके, प्रमोटर्स आर द पर्सन। अभी ये प्रमोटर्स के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज रहती है। पर्सन प्रमोटर्स वो पर्सन रहते हैं जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन में कंपनी की हेल्प करते हैं, एज पर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ये हेल्प करते हैं और कंपनी को फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रमोटर इंटेंडिंग टू बी अ फॉर्म कंपनी, अदर आस्पेक्ट थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड एज फॉलोज। प्रमोटर्स के बेस पे नंबर ऑफ प्रमोटर्स कितने होते हैं? पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए और प्राइवेट में 2 होने चाहिए, और वन पर्सन कंपनी में एक ही प्रमोटर होना चाहिए। ओके, और अभी यहाँ पे हम देखेंगे बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर अ कंपनी में रजिस्टर्ड एज अ सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इन दिस कंपनी कैपिटल इज लोकेटेड बाय इशूइंग शेयर्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ मेंबर्स इज लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ अप अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बाय देम। ओके, अभी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो होता है जो इशू करती है शेयर्स के थ्रू पैसे, और लाइबिलिटीज जो मेंबर्स की रहती है ना, इसमें लिमिटेड रहती है, जितने के शेयर्स परचेस किए हैं उतनी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, मतलब वही फेस वैल्यू के शेयर्स जो उन्होंने बॉट किए हैं वही अनपेड अमाउंट, वो जो जितना भी रहता है वही उतने तक की उनकी सिर्फ लाइबिलिटी रहती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स गारंटी लेते हैं कंपनी की कि कंपनी या तो एसेट देगी या वाइंडिंग अप ऑफ के टाइम पे जो हमने पैसे भरे हैं वो देगी, तो वो लिमिटेड बाय गारंटी ऐसे हो गया। अभी देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, इन दिस कंपनी इट्स एन मेंबर हैविंग गारंटी टू कॉन्ट्रीब्यूट अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी आइदर द एसेट ऑफ द कंपनी एट अ वाइंडिंग अप ऑफ द टाइम और टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब जो कॉस्ट बनेगी वो देंगे या तो एसेट देंगे, वो डिपेंड करता है वो टाइम पे कि वाइंडिंग अप के टाइम पे क्या हो रहा है। लिमिटेड बाय गारंटी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इन दिस कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है मेंबर्स की, मतलब होल अमाउंट ऑफ कंपनी, मतलब जितना हमने भरा है वो भी निकल सकता है एज अ डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके, ये तीन थे और बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रार, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी ये था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।